दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे रत्नागिरी गैस पावर प्राइवेट लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, आपका सीमेंट कॉरपोरेशन में निकली हुई है वैकेंसी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर तीन चार वैकेंसी लेके आऊँ, तीन चार कंपनियों में वैकेंसी लेके आया हूँ। तो आप क्या है कि पूरा वीडियो देखें, आपसे रिलेटिव होगा, ठीक है। तीन चार जगह वैकेंसी हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में वैकेंसी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बने रहें दोस्तों। साथ ही साथ मैं बोलूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी लाते रहते हैं, आपसे रिलेटिव होती हैं, बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू लाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। जो पुराने वॉकिंग इंटरव्यू हैं उनका वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। जो हमारे हो सकता है अभी के प्रेजेंट टाइम में वॉकिंग इंटरव्यू चल रहा हो और वो आपसे रिलेटेड हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ 60,000 से 1,80,000 तक आपका सैलरी रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट विद CA और ICWA और फुल टाइम 2 ईयर MBA फाइनेंस विद CA होना चाहिए या ICWA। दोस्तों बात करूँ मैं एक्सपीरियंस की, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, एज लिमिट 37, जो 1/12/2018 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं NTPC लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा इसका दिया हुआ है, आपकी जनरल कंडीशंस पढ़ लें पूरा अच्छे तरीके से। तो इस हिसाब से दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। तो यहाँ पे बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट को एप्लीकेशन लिंक आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे फिल करना है। कैंडिडेट प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म फिल, ठीक है, हार्ड कॉपी में, और मेंशन रिलेटिव पोस्ट कोड को करके उसे अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। बाद में तो सारे जो जितने भी आपकी कॉपीज़ हैं उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्मेट में लेके सेंड करना है उसे। स्पीड पोस्ट कर दो या रजिस्टर्ड कर दो, ये एड्रेस HR वाला रत्नागिरी वाला गैस पूरा वो कंपनी का दिया हुआ आपको एड्रेस, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, वहाँ भेज देना, ठीक है। तो वहाँ भेज देना आपको। अगर कोई इंक्वायरी आपको करनी है तो नीचे मेल आईडी दी हुआ है। और इसका बात करूं मैं, लास्ट डेट तो 19 दिसंबर है, ठीक है। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि इसे कैसे अप्लाई करना है। देखिए ये मेरे पास लिंक दी हुई है, ठीक है, मैं इस लिंक को ओपन करता हूं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। मैंने लिंक ओपन की रत्नागिरी, ठीक है, मैं ये लिंक ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया, जैसे मैंने खोला जॉब रिक्रूटमेंट्स, ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो मैंने बताया वो यहाँ से मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, मैं डाउनलोड करके बताता हूँ आपको। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी मैं और भी सारी वैकेंसी बताऊँगा, इसलिए आप बने रहें, कुछ जाए नहीं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, पूरा यहां पर दिया हुआ है इसका ब्यौरा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर स्टेप भी दिए हुए, जैसे कि आपको सीखना है कि कैसे कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शंस यहां भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको सीमेंट कॉरपोरेशन में वैकेंसी है, जो वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है वो 10/12/2019 का होने वाला है, 10 A से स्टार्ट होगा, 10 AM से। तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी एड्रेस दिया हुआ पूरा, जो आपको 10/12 से अटेंड करना है। यहाँ पे दोस्तों एक वैकेंसी है फार्मेस्ट के लिए, वैकेंसी है मैट्रिक विद कोई भी फार्मेस्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके साथ, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। मैं बात करूँ ये ऑफिशियली है क्या नॉन ऑफिशियली है, वो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, ठीक है।
कि भाई ये वैकेंसी ऑफिशियली है कि अनऑफिशियली है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये है कि नहीं, ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ कैरियर, ठीक है, मैंने कैरियर खोल दिया डायरेक्ट वहीं से, जैसे वेबसाइट में आओगे तो कैरियर खोलोगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एडवर्टीजमेंट दिया हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फार्मेसी दिया हुआ, इसे मैं क्लिक करूँगा तो वही सेम खुल के आएगा जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों उसकी ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी जो है मेडिकल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड आसाम के लिए है, जहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस निकली हुई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 13 ऐसे दी हुई हैं सबका, जनरल के लिए है, हैं सब डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोजीशन है। बात करूं कि भाई नेम ऑफ पोस्ट तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। टोटल पोजीशन जो हैं वो हैं दोस्तों 34 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बांटा गया है किस डिवाइडेशन से अलग अलग बांटा गया है, स्केल दिया हुआ है 22,000 से 87,000, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ प्लस करके जो भी है। आपका एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे एज लिमिट लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर, ठीक है, मोर और 38 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो 1/1/2019 से काउंट किया जाएगा दोस्तों। तो एसटीएससी वाले 43 वाले भी यहाँ तक बढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस जो भी दी है, वेजिटेबल साइंस, बायो केमिस्ट्री, जो मास्टर डिग्री दी हुई है केमिस्ट्री से, और डिग्री दी है मेडिकल जो भी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो रहते ही हैं कि आपका रेगुलर होना चाहिए। प्रोसेस रिक्रूटमेंट्स और एप्लीकेशन फी यहाँ पर रखा गया 250। अगर आप OBC, MOBC या SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपये ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसकी टर्म्स कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इस टर्म कंडीशंस के हिसाब से यहाँ भरोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट इसी का एप्लीकेशन बताऊँगा, मैं इसे भरना भी बताऊँगा साथ में, आप यहाँ टिके रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर वैकेंसी निकली है 16 जो इंस्पेक्टर और ड्रग्स के लिए है। दोस्तों यहाँ पे 22,000 से 27,000 सेम है और एज लिमिट भी सेम है, तो मैं आपको बताया है यहाँ पे जो प्रोसेस और रिक्रूटमेंट रिटेन और इंटरव्यू वो फीस वही है 250 और 150। पूरा टर्म कंडीशंस आप पढ़ लोगे। लास्ट डेट जो है 6/12/2019 है और उसका लास्ट डेट है दोस्तों 15/12/2019, ठीक है। दोनों का अलग अलग डेट है। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसे भरें कैसे। तो भरने के लिए यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ खोलता हूँ, इस लिंक को ओपन करता हूँ, क्या निकलता है। मैंने लिंक ओपन की तो यहाँ दोनों एडवर्टीजमेंट दिए हुए हैं। मैं जैसे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो क्या आता है, देखिए अप्लाई पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पूरा आपका जो भी है फूड के लिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कर रहे हो आप, इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है आपका मैच क्या कर रहा है। तो सारी डिटेल्स यहाँ भरेंगे हम लोग और पूरी डिटेल्स भरते भरते हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका फॉर्म को फिल करने का तरीका, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या है कि इस तरीके की नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ। आप हमारी पुरानी वीडियो, ये सारी लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगी, सारा देख लें आप अच्छे से, पूरा डिस्क्रिप्शन देखें, छोड़ ना दें, क्योंकि नीचे भी लिंक बहुत सारी हैं। तो आपसे हो सकता है कोई भी लिंक टच में हो तो आप उसे भर पाओ फॉर्म या किसी वॉकिंग इंटरव्यू अटेंड कर पाओ, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक को आप देखें आपसे रिलेटिव है कि नहीं। तो दोस्तों फिर से आगे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपके साथ तुरंत हाजिर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।